प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था मॉर्निंग का जायका बनारस का, तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और इसमें आज फिर से मैं आपको न्यू न्यू फूड आइटम्स दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ फिर से बनारस की गलियों में और लुफ्त उठाते हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ प्रिया। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ स्वादे बनारस का पार्ट टू लेके। तो आज हमने दिन की शुरुआत करी सबसे पहले बनारस की बहुत ही फेमस BHU यूनिवर्सिटी पे जाके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म है। यहाँ जाके सबसे पहले हमने काशी विश्वनाथ का जो न्यू टेंपल बना है उसके दर्शन करें। उसके बाद आपको एक ये साइड में ही छोटे छोटे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। हम रैंडमली एक तृप्ति कैफ़े में जाके बैठ गए थे और वहाँ हमने ऑर्डर करे छोले भटूरे जो कि 70 रुपये के थे। स्वाद की बात की जाए बहुत ही लजीज थे, बहुत ही मिनिमल मसाले उसमें ऐड किए गए थे, भटूरे बहुत ही फ्लफ़ी थे। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं BHU यूनिवर्सिटी तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे मसाला डोसा जिसका रेट मात्र 50 रुपये का था और क्वांटिटी टॉप नॉच थी। क्वालिटी की बात करें उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया था। आप ये मत सोचिएगा प्राइस लो है तो टेस्ट अच्छा नहीं मिलेगा, टेस्ट लाजवाब था। तो आप यहाँ आ रहे हैं तो ये भी ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट हमने जो ऑर्डर किया था वो हमने स्पाइसी चाउमीन स्पेशली बोल के बनवाई थी क्योंकि थोड़ा यहाँ पे खाने में मसाले थोड़े ब्लैंड से थे। ये भी बहुत लाजवाब थी, ज़रूर ट्राई करें। और BHU जा रहे हैं तो आप कोल्ड कॉफ़ी बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये यहाँ की स्पेशलिटी में आती है। उसके बाद हम दोपहर में गए थे गढ़ोलिया चौक और आज हमने डिसाइड किया था कि आज हम सब कुछ बाय वॉक एक्सप्लोर करेंगे, बनारस की गलियों का लुफ्त उठाएंगे। तो सबसे पहले हम पहुँच गए दशमेध घाट जहाँ पे आरती की तैयारी हो रही थी। उसके बाद हमने यहाँ पे तिलक लगवाया था, ये बच्चा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही क्यूट सा था, इसके साथ हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करी। उसके बाद हमने गलियों में जाना शुरू किया। हमें एक्चुअली जाना था मणिकर्णिका घाट, उसके लिए दशमेध से बाय वॉक जाने में काफ़ी टाइम लग रहा था और हमने यही डिसाइड किया था जो भी बीच में पड़ता जाएगा हम वो फूड एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहुँचे काशी चाट भंडार में जो कि गढ़ोलिया चौक के बिल्कुल पास है। तो वहाँ पे हमने देखा बहुत ज़्यादा रश था। काशी चाट भंडार की टमाटर चाट बहुत ज़्यादा फेमस है और हम वही टेस्ट करने आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं बैक टू बैक प्लेट्स लग रही थी, अंदर फुल्ली पैक था, बाहर भी लोग खड़े होके यहाँ के जायके का लुत्फ़ उठा रहे थे। तो हमने भी अपने लिए यहाँ पे टमाटर की चाट और टिक्की ऑर्डर कर दी थी जो कि हमें थोड़ा वेटिंग मिली थी वहाँ पे, बट जल्दी हमारा ऑर्डर आ गया था। हमने वहाँ पे समोसा चाट और टमाटर चाट ऑर्डर की थी, प्राइस सेम था, टेस्ट की बात करें बहुत अच्छा था, मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाद में वहाँ पे कुल्फ़ी फलूदा देखा तो वो भी खाने का मन कर गया, वो भी हमने जब ट्राई किया बहुत ही सिंपल मेकिंग थी, उन्होंने जस्ट फलूदा ऐड किया और कुल्फ़ी ऐड की, बट टेस्ट इसका टॉप नॉच था। अगर आप यहाँ पे आ रहे तो यहाँ ज़रूर ट्राई करें, वर्थ दी हाइप। उसके ठीक साइड में था एक पान की शॉप कुबेर पान, और आप बनारस आ रहे हैं और आपने वहाँ पान नहीं खाया तो बनारस में आपने क्या ही किया। तो एक बार ज़रूर पान ट्राई करिएगा। तो हमने भी वहाँ पे भैया से नवरत्न पान लगवाया था जो कि थोड़ा स्वीट में था, बहुत टेस्टी था। तो बनारस आके आप पान बिल्कुल मिस मत करिएगा, अपने हिसाब से जो भी आपका टेस्ट प्रेफरेंस हो आप ऑर्डर करके ज़रूर खाइएगा। तो ये हमने जायके का लुत्फ़ उठा के फिर हमने सोचा चलो आगे चलते हैं। आगे हम गए तो हमने थोड़ा साउथ इंडियन फूड देखा। बनारस में आपको साउथ इंडियन फूड जगह जगह छोटे छोटे स्टॉल्स में मिल जाएगा। तो हमने भी सांभर वड़ा ऑर्डर कर लिया और इडली सांभर, और इसकी टेस्ट की बात की जाए टेस्ट बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही सॉफ्ट। और ये आप किसी भी लोकल शॉप का ट्राई कर लीजिएगा, आपको हर जगह बेस्ट ही मिलेगा। हमने बहुत जगह ट्राई किया था, सब जगह बेस्ट था। उसके बाद हम मणिकर्णिका घाट की ओर चले गए थे। वहाँ रास्ते में सबसे पहले मिली बनारस की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लस्सी शॉप, ब्लू लस्सी शॉप। ये शॉप आपको मणिकर्णिका घाट के रास्ते में मिलेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा वेटिंग थी शॉप के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं जो भी वहाँ पे आते थे वो एज अ मेमोरी वहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगा के जा रहे थे। हमने भी वहाँ पे रबड़ी लस्सी लगा दी थी, हमें मिक्स फ्रूट एक्चुअली ऑर्डर करनी थी बट उसकी काफ़ी ज़्यादा वेटिंग थी, बट हमें घाट पे जाना था, हम ऑलरेडी काफ़ी लेट थे। रबड़ी फलूदा उन्होंने हमें रिकमेंड की थी और उसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब था, मतलब इतना बेहतरीन। मैं पर्सनली इतनी बड़ी लस्सी की फ़ैन नहीं हूँ बट मैंने जब ये ट्राई किया एंड मैं ज़रूर कहूँगी ये कम्प्लीटली वर्थ दी हाइप था, बहुत टेस्टी था। और आप रिएक्शन चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन थे। तो ये ज़रूर आप ट्राई करिएगा, मिस मत करिएगा। वर्थ दी हाइप, एब्सोल्युटली।
ओके। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मणिकर्णिका घाट की ओर की तरफ है शॉप, तो यहाँ ऐसे शव ले जाते हुए आपको नॉर्मल दिख जाएंगे लोग बैक टू बैक। और अब नेक्स्ट कुछ क्लिप्स मणिकर्णिका घाट की मैं ऐड करने वाली हूँ, अगर वो आपको डिस्टर्बिंग लगे तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसा कि माना जाता है ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट है, और इसके पीछे भी एक प्रॉपर कहानी है। माना जाता है यहाँ पे पार्वती जी के कान का जो कुंडल था उसका एक हिस्सा यहाँ पे खो गया था, इसी वजह से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया था। और यहाँ पे 2400 घंटे 200-300 शव ऑल टाइम जलते रहते हैं, तो इसके बारे में प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। घाट पे आपको जगह जगह लेमन टी वाले मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल मिस मत करिएगा, मात्र 10 रुपये में इतनी रिफ्रेशिंग और इतनी अमेजिंग लेमन टी थी। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप इसके लिए अपनी नॉर्मल चाय छोड़ सकते हैं, इतनी टेस्टी थी। और अगर आप ठंडाई के शौकीन हैं तो बनारस की ठंडाई बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये हमें यहाँ के शॉप वाले ने रिकमेंड की थी, ये यहाँ की ओवरहाइप नहीं है बट गलियों में है जाके है। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, बनारस में खाने का स्वाद गलियों में ही है, और ये बिल्कुल इनकी शॉप से सिद्ध होता है, क्योंकि ये इतनी कोई फेमस नहीं थी। बट ठंडाई का मैं अगर आपको बताऊँ, कोई जवाब नहीं था। हमने नॉर्मल एक ठंडाई उनकी रिकमेंड करी हुई ऑर्डर जो उन्होंने हमें दी थी वो हमने ट्राई की थी, बहुत स्वाद, बहुत लाजवाब थी, मात्र 60 रुपये की। मैंने उन्हें बताया कि मैं ठंडाई और लस्सी कम पीती हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुआवा लस्सी बनाई थी, जो कि बहुत ही मसालेदार और बहुत ही टेस्टी थी। ये रियल गुआवे के जूस से बनाई गई थी, बहुत ही अमेजिंग थी। तो आप भी पूछते हुए ज़रूर यहाँ पे ट्राई करिए। उसके बाद एक साइड में एक शॉप थी उन्हीं के, गामा पान भंडार, तो हमने सोचा ये हमारा लास्ट डे था तो एक बार पान ज़रूर ट्राई कर लेते हैं। तो हमने इनसे मीठा पान प्रॉपर लगवाया था, और जैसे कि आप इसकी मेकिंग देख रहे हैं, तो अगर आप बनारस आ रहे हैं पान बिल्कुल मिस मत करिएगा, एक बार आप पान ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ के पान का लुत्फ़ उठाने के बाद हमने और भी छोटे मोटे लोकल शॉप के भी स्ट्रीट फूड ट्राई करे थे। एक और चीज़, बनारस में आपको लिट्टी चोखा जगह जगह अवेलेबल होगा, तो अगर आप बनारस आए हैं यहाँ का लिट्टी चोखा बिल्कुल मिस मत करिएगा। यहाँ पे दो तरह के लिट्टी चोखा आपको मिलेंगे, एक घी के साथ एक बिना घी के साथ। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी आप घी वाला ही खाइएगा, बिकॉज सूखा बहुत ही ड्राई हो जाता है, बहुत ही नॉर्मल रेट में, पर इतना स्वादिष्ट लिट्टी चोखा मैंने दिल्ली में तो अब तक नहीं खाया। तो अगर आप बनारस जा रहे हैं वहाँ का लिट्टी चोखा ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा। लिट्टी चोखे के बाद इस वीडियो को एंड करते हैं चाय के साथ। आप बनारस की किसी भी लोकल शॉप पे जाके चाय ऑर्डर करेंगे वो आपको बहुत ही लाजवाब लगने वाली है, तो चाय ज़रूर पीजिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमने क्या मिस करा और हमने क्या नहीं कवर किया वो भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर यहाँ पे जाना चाहूँगी, बाबा बुलाएंगे तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।